आप तो बोल रहे हैं कि पेट भरा पड़ा है तो भूख तो लगी नहीं, मतलब होगी। इच्छा तो हो ही रही है ना खाने की अब देख के, पर वो है कि थोड़ा पेट खाली रखता फिर पोहा नहीं खाता, पहले पता होता तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज संडे का दिन है और आज घर पे ही हूँ और डुगो गोदी चढ़ा पड़ा है, सुबह से परेशान कर रहा है और मैंने तो नहाया भी नहीं। ये हमारे हैं पति देव हैं और यहाँ लेटी बन रही है, लेटी बन रही है। सुबह सुबह मेरे को ठंड का मौसम है, बारिश भी है तो खाने। तो दोस्तों बारिश का मौसम है आज, बहुत ही मतलब अच्छा मौसम हो रखा है। संडे के दिन रात में बारिश हुई है और ये गर्मा गर्म लिट्टी बन रही है। लिट्टी बन रही है, लिट्टी बन रही है। तो आज तो मजा ही आने वाला है। हमारी लिट्टी बन रही है बरसात में। बेटो चलो तुम जाओ तो रूम में। कहाँ जाओ, गोदी से नहीं उतर रहा, सुबह सुबह से चढ़ा पड़ा है। कहाँ जाएगा ठंड में ये, इसको मोबाइल चाहिए। बेड पे बैठेगा चल के। यार सुबह तुमने पोहा बना दिया ना बिल्कुल उठते उठते, हाँ। वो खा लिया, अब ये लिट्टी बना रही हो तो फिर मतलब मजा नहीं आएगा थोड़ा। वाह, इसके लिए थोड़ा पेट ज्यादा खाली होना चाहिए था। तो पोहा किसने बोला था खाने को? पोहा नहीं खाने का था रे बाबा। तो क्या खाने का था रे बाबा? लिट्टी खाने का डायरेक्ट। कितने देर में बन जाएगी? क्यों आप तो बोल रहे हैं कि पेट भरा पड़ा है तो भूख तो लगी नहीं, मतलब होगी। इच्छा तो हो ही रही है ना खाने की अब देख के, पर वो है कि थोड़ा पेट खाली रखता फिर पोहा नहीं खाता, पहले पता होता तो। है ना गाइस, थोड़ा कम खाते बस बनने वाला है। क्या आग पे बना नहीं सकते? तो ऐसे बना रही हूँ धीमी आंच पे, थोड़ा आग पे बनता तो शैने का मतलब पता है आपको? सैने पता है क्या? धीमे मोना पतो। सैने किस भाषा में बोलते हैं? बंगाली। ताड़ा ताड़ी ना बोनबो, सैने बोनबो। सैने संस्कृत हो गया, पर बोलते बंगाली में। बंगाली सबका मिक्सचर है। हाँ बेटो क्या हुआ? उसमें भी बोलते हैं ना की कलछी, कलछी बंगाली भी बोलते हैं। हाँ। की कोरे आछे, आछे नहीं बोलते। की कोरे छी, हाँ की कलछी ऐसे बोलते हैं। कोरे कोरे छी, की कोरे छी। हाँ तो काम को काज बोलते हैं, काम को काज। की कलछी तो उसमें भोजपुरी में भी कई जैसे स्टेट वाइज में छीछा जी डिस्ट्रिक्ट वाइज वही जो भी है तो छीछा नहीं बोलते हैं जहाँ पे, तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं छीछा। मैं और डुगू छत पे आ गए और ये नया घर बन रहा है इस साइड और नीचे खाना बन रहा है, तो हम छत पे थोड़ा सा घूमने। भी धूप खत्म हो गई, ठंडी हवा चल रही है। डुगू कबूतर देख रहा है। स्माइल स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, ऐसे नहीं, अच्छे से नहीं करना, हाय कर दो हाय। कुछ नहीं कर रहा है ना, हाय ना स्माइल, बस इसको घूमना है। A few moments later. Finally, हमारी लिट्टी बन गई और हम छत पे से आ गए डुगू को लेके। और ये देखो गाइस, देसी घी में डाल के पूरा डुबोया नहीं, ऊपर ऊपर से लगा रखा है। डुबोने के लिए कहाँ मिलेगा इतना, गांव थोड़ी है। और गर्मा गर्म, चलिए दोस्तों करते हैं इसको फिनिश और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइज हम खाना खाने के बाद बिस्तर में आ गए और बिस्तर में आते आते डुगू फोन में लगा पड़ा है, पता नहीं क्या चालू कर रहा है, क्या देख रहा है।
फोन में घुसा हुआ है जब से। फोन तो ऐसे छीन रहा है जैसे लग रहा है कि इसको पता नहीं कितना आ गया फोन में चलाना, हमसे छीन के ले ले रहा है। ये देखो गाइस पता नहीं क्या देख रहा है। तो दोस्तों बहुत ठंड हो रही है और आज मैं नहाया नहीं हूँ और नहाने का कोई मूड भी नहीं कर रहा। पानी है, तौलिया है, साबुन है, शैम्पू है, पर नहाने की हिम्मत नहीं है इतनी ठंड में। सुबह सुबह बारिश हो गई थी और ठंडा हो गया मौसम। तो दोस्तों ठंड राज अपन आएगा नहीं शाला, ठंड राज नाएगा नहीं शाला। तुमने तो नहा लिया सुबह सुबह, मैं तो नहाया नहीं। स्मेल तो नहीं आ रही ना मेरे में से, सूंगो सूंगे बताओ आ रही है यक। क्या स्मेल आ रही है? ओ डेली नहाता हूँ, आज नहीं नहाया तो क्या हो गया? डेली ड्यूटी के टाइम पे सुबह उठ के नहा के जाता हूँ, ठीक है। दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, कटवाने का मूड नहीं कर रहा क्योंकि ठंड में ना कटवाने जाओ तो फिर नहाना पड़ेगा, इसलिए कटवाओ ही ना और सुबह टाइम मिलेगा नहीं। यार कुछ बनाओ ना, कुछ खाने का मन कर रहा है। खाना खाने के बाद भी देखो अभी हल्की फुल्की कुछ मतलब इच्छा हो रही है, इतना टाइम कर ही रहा है, ताकि मुंह थोड़ा चलता रहे नमकीन सा कुछ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो अभी हम निकले हैं डुग्गू को लेके, अब सर जाएंगे थोड़ा सब्जी लेने, और डुग्गू तो पहले ही रेडी हो गया सब्जी लेने जाने के लिए। चले बेटा चले मार्केट, मार्केट जाओगी? हाँ मार्केट जाओगी ना, मार्केट तो तुम पहले जाओगी, पहले ही रेडी हो गए मार्केट के लिए। मार्केट का नाम सुनते ही बाहर चलो बाहर, है ना। तो हम फाइनली अब जा रहे हैं मार्केट। ये देखो इसकी मम्मा डुगू की। तो गाइस फाइनली मार्केट से आ गए कुछ सब्जियां लेके, और ये डुगू के लिए स्ट्रॉबेरी बहुत खाता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और देखते हैं क्या खाना बनता है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो गाइस डुग्गू अपना स्ट्रॉबेरी निकाल के खाने लगा, लेके बैठ गया, आते आते सबसे पहले खींच रहा है पन्नी में से, खाने के लिए निकालने लगा। कह रहा हूँ तो अभी दो मिल को, तो अभी ली दो, है ना बेटी, खाओ खाओ खाओ। क्या हुआ ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ऐसे हीरो नहीं लग रहे हो, हैं टोपा निकाल के फेंक दिए, बताओ गंदी बात है ना, आप ठंड में भी टोपा निकाल के फेंक देते हो। खा लो सारा खा लो, ओके। डुग्गू खाने में लगा हुआ है,
मैडम मटर छील लो जल्दी से, मटर के चीले बनाओ, मेरे को बहुत मन कर रहा है खाने का। मटर छीलने में लगी है, मटर के चीले खाने का मन कर रहा है मेरे को। मैंने बोला भाई मटर ले लो और बनाओ, गर्मा गर्म थोड़ा खाएं। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो गाइस फाइनली ये हमारा बनने लगा, चीलू। चीलू नहीं, चीला मटर का। चीलू नहीं, छोटे छोटे है ना इसीलिए चीलू। चीली बोल फिर चीली। बड़ा होता तो चीलू, चीला। ये छोटे हैं इसलिए चीलू, और छोटा चीलू। मेरे को मतलब अच्छा लगता है ये इस सीजन में ना, थोड़ा ग्रीन ग्रीन, मतलब सूखा ऐसे पकोड़े टाइप में ग्रीन ग्रीन, बिना फ्राई के हल्का तेल में फिर तवे पे सेका हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है, कुरकुरे थोड़े। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय।